पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ एवं नशीली वस्तुओं की रोकथाम हेतु अभियान में सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए थाना प्रभारी मऊगंज निरीक्षक गिरीश धुर्वे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल SDOP इंद्राज सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में पुलिस स्टाफ द्वारा अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की बताया गया है कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चाक मोड़ में माखन केवट पिता राम बोहर केवट उम्र 26 वर्ष निवासी चाक मोड़ मऊगंज थाना मऊगंज ने ओवर ब्रिज मऊगंज के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा थैले में रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मऊगंज के नेतृत्व में हमराह पुलिस स्टाफ के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान चाक मोड़ ओवर ब्रिज पहुंचकर जहां माखन केवट मिला साथ में एक सफेद रंग का थैला रखे मिला थैला की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला जो आरोपी माखन केवट पिता राम बहार केवट निवासी चाक मोड़ मऊगंज जिला मऊगंज के कब्जे में से कुल 1 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 3,920 रुपए है जब्त कर आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश धुर्वे उप निरीक्षक भैया मानसिंह महिला उप निरीक्षक आरती वर्मा सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र मिश्रा सहायक उप निरीक्षक बसंत कुमार मिश्रा प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह आरक्षक अवनीश पांडे आरक्षक विवेक यादव आरक्षक संजीव सिंह आरक्षक पवन खेड़ा आरक्षक नितेश सिंह आरक्षक जयप्रकाश तिवारी महिला आरक्षक सत्यम बागरी सावित्री गुप्ता ने निभाई सराहनीय भूमिका।